See, next is what is your homogeneous equation of degree 2. Okay, your definition is in this first you have is degree of a term. Okay, it is defined as sum of the indices of all variables in a term is called degree of the term. For example, you have x square plus xy minus 2y square plus 5x plus 2. Okay, then see if you see individually, okay, जो डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म है इज वॉट टू. ओके, डिग्री ऑफ एक्स वाई तो देखो ये 1 + 1 क्या होगा तुम्हारा 2. डिग्री ऑफ वाई स्क्वायर इज 2. ओके, इवन से -2y² और ये तुम्हारा 3 है. देन डिग्री ऑफ 5x इज वॉट 1. ओके, देन डिग्री ऑफ द कॉन्स्टेंट पार्ट 2 इज 0. ओके, जैसा इसको मैं एक्स रेस टू 0 लिख सकता हूँ, ठीक है ना. दिस इज वॉट स्पेसिफिकली डिग्री ऑफ अ टर्म. ओके, जरा कॉपी कर लीजिए. हाँ सर, ये डिग्री ऑफ 5x भी 0 आएगा ना फिर, क्योंकि 2x. नहीं, मानेला रोहन कुछ नहीं, मतलब जरा तुम्हारा बानु वाना एक्स का डिग्री वाना ओके सर, और ये 2 × 1 था तो एक्स रेस टू 0 का वैल्यू कितना 1 आता है ना. हाँ सर, हाँ, दिस वाज डिग्री ऑफ अ टर्म. ठीक है, नाउ व्हाट इज एक्चुअली होमोजेनियस. ओके, एन इक्वेशन इन विच डिग्री ऑफ एवरी टर्म इज सेम इज कॉल्ड अ होमोजीनियस इक्वेशन. ओके, फॉर एग्जाम्पल इट इज लाइक 3x² प्लस xy प्लस 2y² इक्वल टू 0. तो देखो ये टर्म का डिग्री 2 है, इवन ये वाला टर्म का डिग्री भी 2 है और इसका भी डिग्री 2. सच अ इक्वेशन इज कॉल्ड एज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. ओके, बिकॉज थ्रू आउट डिग्री सेम. हाँ, कॉपी कर लीजिए.
चैप्टर में टोटल चार थियरम्स हैं, ओके, जिसमें 4.2, 4.3 और 4.4 आर इम्पोर्टेंट। ये तीनों में से एक थियरम पक्का एग्जाम में आएगा। सर रिपीट करो, कौन सा थियरम इम्पोर्टेंट है? थियरम नंबर 4.2, थियरम नंबर 3, वो 4.3 होना चाहिए एक्चुअली, ये लोग कुछ भी टाइप करते हैं, और 4.4 करके, ये तीन थियरम इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये तीन में से भी नॉर्मली तुम्हारा वो थर्ड एंड फोर्थ, उसमें से भी इम्पोर्टेंट तुम्हारा फोर्थ है, इट हैज कम मेन एवरी ईयर ऑलमोस्ट। कॉपी करके हुआ रहेगा आई थिंक। ठीक है, थियरम नंबर 4.2 स्टेटमेंट इज द कंबाइंड equation of pair of lines passing through origin is a homogeneous equation of degree 2 in x and y, okay? ये आपको स्टेटमेंट दिया होगा एग्जाम में, इसका प्रूफ देखो। पहली बात, जो भी पेयर ऑफ लाइन्स है दे आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब जो तुम्हारा जनरल इक्वेशन था ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो लिखते हो ना, ना क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रहा है वो सी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। सो आई विल से फर्स्ट लेट ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू जीरो बी एनी two lines passing through the origin, okay? So I'll say therefore combined equation of lines will be a1x plus b1y into a2x plus b2y equal to zero। अभी ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये a1 a2 x square a1 b2 xy a2 b1 xy plus b1 b2 y square equal to zero। So a1 a2 x square, अभी यहां से आप एक्स वाई टर्म कॉमन लो तो ये ए वन बी टू प्लस ए टू बी वन एक्स वाई प्लस बी वन बी टू वाई स्क्वायर, ठीक है ना? सो आई विल से फॉर एग्जांपल लेट योर ए इज व्हाट इज ए वन ए टू, टू एच इज ए वन बी टू प्लस ए टू बी वन एंड योर बी इज व्हाट इज बी वन बी टू। Your equation is of the form ax square 2hxy plus by square equal to zero. So if you observe, this is nothing but what, a homogeneous equation. Degree kitna hai iska? 2 hai. So we'll say it is a homogeneous equation of degree 2, jo aapko prove karna hai. I hope you people have understood. Okay, just copy this down. Hello sir. हाँ. सर जो 2hxy है उसका x का 1 और y का 1 वैसा 2 हो गया ना डिग्री उसका? हाँ हाँ, ये एक टर्म पकड़ेंगे ना आप,
ये एक टर्म है ठीक है, इसके लिए उसको हम लोग ऐड करते हैं। देखा जाए तो तुम बोल सकते हो ना बाबा बेस अलग है आप ऐड कैसे कर रहे हो करके, ठीक है ना, ये एक टर्म पकड़ते हैं हम लोग। यस थ्योरम 4.3 अभी ये उल्टा है। ओके दे विल से कि इफ इट इज अ होमोजेनस इक्वेशन तो आपको प्रूव करना है इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ टू लाइंस करके। ओके सो योर स्टेटमेंट वुड बी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू इन एक्स एंड वाई दैट इज ax square plus 2h xy plus by square equal to 0 represents a pair of lines passing through the origin if h square minus ab is greater than equal to 0. Okay, now iska jo proof hai, you will be having two cases. Okay, first of all, see they have told you consider the homogeneous equation of degree 2 in x and y. That is ax square plus 2h xy plus by square equal to 0. Okay. So, yahan pe we'll say consider two cases. Ek rahega aapka b equal to 0 and dusra b not equal to 0. किसी को डाउट आएगा कि बी क्यों ले रहे हैं, आपको बी अच्छा लगता नहीं है तो आप ए भी ले सकते हो, ठीक है। ओके सो फॉर एग्जांपल केस वन, इफ बी इक्वल टू जीरो, एग्जाम में दे एक्सपेक्ट द सेम थिंग व्हाट दे हैव गिवन इन द टेक्स्ट बुक का। ओके सो योर इक्वेशन बिकम्स, आई राइट दिस एज वन, इक्वेशन वन बिकम्स ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई इक्वल टू जीरो। तो यहां पे आप एक्स कॉमन लो तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस टू एच वाई इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स विल बी इक्वल टू जीरो और ए एक्स प्लस टू एच वाई विल बी इक्वल टू जीरो। मतलब मेरे पास अभी दो लाइन्स हैं। ओके So we'll say we observe that these lines pass through origin, rubber, because देखो यहाँ पे कोई भी constant part नहीं है, meaning there were two lines passing through the origin. So we have proved कि अगर homogeneous equation है तो it will be consisting of two lines. ये हो गया आपका case one. इतना कॉपी कीजिए। नाउ विल डू द केस टू। केस टू में विल बी हैविंग बी नॉट इक्वल टू जीरो। नाउ सी क्योंकि ये नॉन जीरो नंबर है, आई विल से मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय बी, सो इट इज b into ax plus 2hxy plus by square equal to b into 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा ab x square plus 2hbxy plus by square equal to 0, ठीक है। Then we'll rewrite this as sir. Bolo b square y square
टू एच बी एक्स वाई इक्वल टू माइनस ए बी एक्स स्क्वायर, ये टर्म को मैं इस तरफ ला, ठीक है. नाउ विल मेक दिस टर्म एज परफेक्ट स्क्वायर. ओके, तो जो लास्ट टर्म रिक्वायर्ड है वो एक्स स्क्वायर होता है. सो आई विल से टू मेक LHS complete square, okay, add x square on both sides, okay. So it will be b square y square plus 2HBXY plus H square equal to H square minus ABX square. So this I can write as now BY plus HX the whole square. This is H square minus ABX square. So ye term ko idhar leke aao. So it is by plus hx the whole square minus h square minus ab x square equal to zero. That is by plus hx the whole square minus root of h square minus ab x the whole square equal to zero. This is like a square minus b square, which will be a plus b minus b. ओके, नाउ देखो इन दोनों में x कॉमन है, तो आई कैन फर्दर राइट दिस एज h प्लस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी एक्स प्लस बी वाई. ओके, देन h माइनस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जी. ओके, इतना कॉपी कीजिए, ठीक है. सी सो योर सेपरेट इक्वेशंस विल बी लाइक h प्लस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी एक्स प्लस बीवाई इक्वल टू जीरो एच माइनस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी एक्स प्लस बीवाई इक्वल टू जीरो. तो सी इफ यू ऑब्जर्व, देखो इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है ना. ओके, सो आई कैन से विच आर इक्वेशंस ऑफ two lines passing through origin. Okay, so you can say therefore your equation ax square plus 2h xy plus by square equal to zero represents pair of lines passing through the origin. Okay, let's copy this down. This ends here, theorem, huh?
हम लोग b की वैल्यू b1 एंड b2 लेते हैं, अगर समझो अगर एक इक्वेशन में b की वैल्यू b1 की वैल्यू 0 है और दूसरे इक्वेशन में b1 b2 की वैल्यू नॉन जीरो है तो b की वैल्यू तो 0 आ जाएगी, तो फिर जो सेकंड इक्वेशन है वो तो ओरिजिन से पास नहीं करेगा ना, नहीं होगा, इसे दो दो केस ले रहे हैं ना, दो में से कोई भी एक हो सकता है सर, लेकिन अगर मैं ये वाला कंडीशन लूं तो b की वैल्यू तो 0 हो रही है। हाँ तो अरे कौन सी वाली वैल्यू बोल रहे हो तुम, देखो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग टू केसेस ना बाबा, एक केस में बोल रहा हूँ मैं जीरो है बी का वैल्यू करके और दूसरे में नहीं है करके बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, जो तो बी वन बी टू की बात कर रहा है ना तो उसमें वो केटर करता है ना जब तक बी जीरो रहे तो, हुआ कॉपी करके? यस सर, यस सर, फॉर दैट स्लोप्स का वैल्यूज है, लिसन प्रॉपर्ली, सी नेक्स्ट आई विल से टू फाइंड relation for slopes. Okay, so I'll say consider you had got the two equations, no? One was h plus root of h square minus abx plus by equal to zero, dusra tha h माइनस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो। आई से फॉर एग्जाम्पल लेट एम वन एंड एम टू बी द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स, ठीक है, तो एज पर द फॉर्मूला देखो व्हाट वॉज योर स्लोप डिफाइंड एज माइनस ए by b, देखो a by b और m2 was minus a by b, okay, so m1 का वैल्यू जो है वो माइनस h माइनस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी है, वही आपका m2 जो है इज माइनस h प्लस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, ठीक है ना, सो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो देखो m1 प्लस m2 अगर फाइंड करने जाओगे तो आपको मिलता है माइनस टू एच बाई बी, और वही अगर आप प्रोडक्ट फाइंड करने जाओगे तो यू विल बी गेटिंग a बाई बी, ओके, ये आपको फॉर्मूला प्रॉपरली बाय हार्ट करना है, ओके, sum of the slopes and product of the slopes, and ये तुमने quadratic में किया था, I'm just giving you the formula, ये भी लिख लीजिएगा, your m1 minus m2 the whole square will be m1 plus m2 the whole square minus 4 m1 m2, okay? ये तीनों फॉर्मूलाज आपको परफेक्टली आना है बिकॉज बेस्ड ऑन दिस यू विल बी हैविंग सम्स, वन मोर थिंग इफ यू ऑब्जर्व सी ये रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी आता है ना, तो इसके लिए आपके थियरम में देयर क्लियरली टोल्ड यू कि एच स्क्वायर माइनस ए बी इज नॉट इक्वल टू जीरो करके, जरा देख लेना ये इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन दिस ओनली विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो लाइन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है ना, जो भी मैंने रेड में लिखा है प्लीज बाय हार्ट देमा, ये फॉर्मूला एंड ये फॉर्मूला प्रॉपरली आना है आपको, देन नेक्स्ट इज व्हाट इज नेचर ऑफ लाइंस, ठीक है, सो इफ
x square minus ab is greater than 0, then lines are distinct if x square minus ab is 0, then lines are coincident if x square minus ab is less than 0. Okay, then equation do not represent pair of lines. Okay, just copy these three points also. Now, ये points भी आपको add करने properly, ठीक है? Next, there is something called as auxiliary equation. ठीक है ना? तो see, I'll say consider your homogeneous equation is what? Ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. Okay? Then I'll say dividing both sides by x square. So it will be ax square plus 2hxy plus by square upon x square equal to 0 upon x square. So it is a x square upon x square 2hxy upon x square b y square upon x square is 0. So it is a plus 2h y upon x plus b y upon x the whole square is what is 0. Okay, but these are what actually lines passing through the origin. No, so your y should be equal to mx, matlab m ka value is what is y by x. So yahan pe substitute karo, it is be like a plus 2hm plus bm square equal to 0. Okay, so I can write this as bm square plus 2hm plus a equal to 0. Okay, so this is what is called as auxiliary equation. Ye bhi aapko barabar se pata hona hai. Auxiliary equation of a line. Of lines, not line. Just copy this down. हाँ तो ये एक separate page पे लिख के रखो. हाँ, ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. This is what is called as homogeneous equation of degree 2. ठीक है ना? See, this line will be consisting of two lines. Please remember this equation, sorry. ठीक है? Then second is sum of the slopes is minus 2h by b, product is a by b. Next, your difference of slopes, a formula is what is this? Okay, then agar h square minus ab is more than 0, lines are distinct. H square minus ab is 0, lines are coincident. H square minus ab is less than 0. Okay, equation do not represent
pair of lines, I'm just summarizing the formulas, then your bm square plus 2hm plus a equal to 0 is what is called as auxiliary equation of lines. Okay, let's copy this down. Please try to write this on a single page. Refer karne ke liye zero. Now you see exercise 4.1. First question, they have told you find the combined equation of the following pair of lines. Okay, first question given is, you're given 2x plus y equal to 0 and 3x minus y equal to 0. Okay, so we'll say, see your solution. Combined equation of pair of lines is 2x plus y into 3x minus y equal to 0. So it is 6x square minus 2xy plus 3xy minus y square equal to 0. So 6x square plus xy minus y square equal to 0, which is your combined equation. Okay, let's copy this down. See, second question, you are given x plus 2y minus 1 equal to 0 and x minus 3y plus 2 equal to 0. Okay, na? So your solution will be, I'll say, combined equation of pair of lines is x plus 2y minus 1 into x minus 3y plus 2 equal to 0. You see, I multiply this x with the whole equation, that is, I will say x into x minus 3y plus 2. Phir 2y ko multiply karo, x minus 3y plus 2. Phir minus 1 ko multiply karo, pure equation se, like this. Okay. So ye ho jayega x square minus 3xy plus 2x. Ye plus 2xy minus 6y square plus 4y minus x plus 3y minus 2 equal to 0. So pehle aayega aapka x square, then ये जो तुम्हारा एक्स वाई वाला टर्म है ना, ये माइनस एक्स वाई और ये विल बी माइनस एक्स वाई माइनस सिक्स वाई स्क्वायर. ओके, ओके, माइनस सिक्स वाई स्क्वायर. फिर टू एक्स माइनस एक्स इज व्हाट इज प्लस एक्स. फोर वाई प्लस थ्री वाई इज व्हाट इज सेवन वाई minus 2 equal to 0. Okay, which is combined equation of pair of lines. Okay, well, now this is not a homogeneous equation, because tumhara degree throughout same nahi hai. Haan, jo formula likha tha na wo ek page pe, by next lecture please properly by heart them. Formulas based both for आपको exams रहेंगे. Done sir. Okay. So now I think sir will continue. चलो ठीक है. Thank you. Lecture is over.